द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इसराइल में अब विरोध बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल के अपने ही लोग इसराइल का विरोध कर रहे हैं, इसराइल प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पार्लियामेंट पर यहूदियों ने हमला बोल दिया है। इसराइल के पार्लियामेंट पर यहूदियों का हमला हुआ है और जिसके बाद तस्वीर एकदम बदल गई। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहूदी लोग ही परेशान हो गए हैं। इसराइल से परेशान है जो इसराइली पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यहूदियों ने इसराइली संसद के सामने किया विरोध प्रदर्शन। नेतन्याहू का इस्तीफा, गाजा से यहूदी कैदियों को रिहा करे। तो नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग अब इसराइल में एक बार फिर से तेज हो गई है। वैसे नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग पहले भी की जा रही थी, पहले भी नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा था। वो घर में लगातार डर रहे थे, घिरते जा रहे थे, और अब जो खबर आ रही है वो पूरी तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। अब हम जरा देखते हैं कि इसराइली प्रधानमंत्री की नेतन्याहू की मुसीबतें कैसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल घर में गिरते जा रहे हैं इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। आंदोलन का डर, बोले इस्तीफा देने का सवाल नहीं। मतलब इस्तीफा देने का सवाल नहीं, कह रहे कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता चला जा रहा है। शायद इस तरह के विरोध की कल्पना भी बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से नहीं की गई होगी। नेतन्याहू बोले मेरे पीएम रहते मजबूत हुआ इसराइल, यानी अपनी वो अपना व्याख्यान कर रहे हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं, अपने बारे में बताने की कोशिश दुनिया के सामने कर रहे हैं कि मेरी वजह से मजबूत हुआ है इसराइल। युद्ध खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के इच्छुक हैं नेतन्याहू, यानी युद्ध जब खत्म हो जाएगा, इसराइल हमास का युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब भी वो अपने पद पर बने रहने की बात कह रहे हैं। हमास के साथ बंधकों की डील पर जल्द ही हो सकती है बातचीत। बंधकों की डील की बात वो कर रहे थे, ये थोड़ा खबर पुरानी है, लेकिन वो उस वक्त क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ माइंडसेट बेंजामिन नेतन्याहू का चल रहा था, और उसके बाद से लेकर अभी तक के जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, और इससे मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसराइल में लगातार नेतन्याहू पर पद छोड़ने का दबाव बन रहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे अब। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन की आवाजें जो है वो तेज होती चली जा रही है। पहले तेल अवीव की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, IGF के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब पार्लियामेंट यानी संसद के बाहर, इसराइल की संसद के बाहर ही प्रदर्शन होने लगा है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू परेशान दिखाई दे रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने की मांग हो रही है, और बंधकों को ना छुड़ा पाने और लंबे खिंचते युद्ध के मसले पर नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी ओर से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, यानी ये उनकी बेहतरीन कोशिश है जो अभी तक हो रही है। लोगों को मारना, लोगों पर, गाजा के लोगों पर बम बरसाना, ये उनकी कोशिशें हैं, मतलब हो रही हैं लोगों को वापस लाने की, और जल्दी अपने मकसद में मतलब कामयाबी हासिल करेंगे। इसराइली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी सत्ता में वो बने रहना चाहते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गाजा का विसैन्यकरण हो सके, जिससे भविष्य में इसराइल को कोई खतरा ना हो। नेतन्याहू ने अपने इस्तीफे की मांग पर भी कहा कि केवल एक चीज जिससे मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं वो हमास है। इतने सालों तक मैंने इसराइल का नेतृत्व किया है, मेरे पीएम रहते हुए इसराइल मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि गाजा में पूरी जीत हासिल करने की अधिक समय की आवश्यकता है, यानी ये समय इसराइल की जनता से मांग रहे थे, समय मांग रहे थे कि हमको समय दीजिए, हम जो है आपके लोगों को वापस लाएंगे, हमको समय दीजिए, हम हमास को समाप्त कर देंगे, हमको समय दीजिए, हम समय लगता है, लेकिन वो समय कब आएगा ये शायद किसी को नहीं पता। यानी धुप्पल में रखने की कोशिश इसराइल की जनता को हमेशा से कर रहे थे, और अब इसराइल की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब जो है चुनावी बातें हैं, ये सब लुभाने की बातें हैं। इसराइल पूरी तरीके से कमजोर है, क्योंकि आयरन डोम के बारे में जो छाती पीटने का काम बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे, उस आयरन डोम की पोल तो 7 अक्टूबर को ही खुल गई थी जब अटैक हुआ था हमास की तरफ से। तो अब ये कह रहे हैं कि हम जितना संभव हो सके अपने सैनिकों की जीवन रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी सैनिकों की जीवन रक्षा नहीं, सैनिकों को आग में ढकेलने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे अल-कसम ब्रिगेड जो है अल-कुद्स ब्रिगेड अपनी कार्रवाई कर रहा है, उससे परेशानी बढ़ रही है। हमारी कार्रवाई में 8,000 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। ये आतंकी कह रहे हैं कि 8,000 आतंकियों को हमने मार दिया, जबकि ये आतंक नुमा चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बच्चों और महिलाओं को मारना हो, चाहे वो गाजा पट्टी में लाशों को उठाना हो, और चाहे वो वहां के गहने चुराने हो, सोना चुराना हो, ये सब बताता है। हमास की सैनिक क्षमताओं को काफी हद तक नष्ट किया जा रहा है।
जबकि सैन्य क्षमता और सैन्य पावर नष्ट हो रही है इसराइल की। परेशानी में कौन है? इसराइल है। दिक्कत में कौन है? इसराइल है। कुर्सी पर खतरा किसके बंडा रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या बातें कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते पर कहा कि हमास ने कई तरह की शर्तें रखी जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है। डील तभी संभव हो पाएगी जब इसकी शर्तें व्यवहारिक होंगी। हमें इस मामले पर एक आंदोलन की संभावना दिख रही, लेकिन मैं गलत तरह से उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। हम कोशिश जारी रखेंगे लेकिन हमास की नाजायज शर्तों को नहीं मानेंगे। हिजबुल्ला की ओर से हमलों के खतरे पर नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर में लेबनान के साथ सीमा पर सुरक्षा बहाल करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं, ताकि वहां से निकाले गए निवासी वापस घर लौट सके। जब तक हम उत्तर के निवासियों के लिए सुरक्षा बहाल नहीं कर देते तब तक हर मोर्चे पर लड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्ला लड़ाई को बढ़ाता है तो फिर वो ऐसे हमलों का सामना करेगा जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अब समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये धमकी के सुर जो है वो खत्म होते नहीं ले रहे। इसराइल पीएम की नेतन्याहू की मुश्किलें कैसे बढ़ रही? चार केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले की भूमिका नहीं, 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। 26 दिन पहले एक सर्वे हुआ था, मिस्टर सिक्योरिटी नाम से प्रसिद्ध इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही। हमास के हमले के कारण बंद इजरायली कोर्ट 2 माह बाद 4 दिसंबर से फिर से एक्शन में आ गया। कोर्ट ने नेतन्याहू खिलाफ चल रहे रिश्वत और एक धोखाधड़ी के मामले को लेकर भी सुनवाई की है और इसमें 3 केसों की सुनवाई फिर से हो रही है। 4 साल पहले शुरू हुए इन केसों को नेतन्याहू के वकील अब कोर्ट से सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है युद्ध चल रहा है, इसलिए उनके यानी नेतन्याहू के पास तैयारी करने का समय नहीं है। इजरायली पीएम गठबंधन, वॉर कैबिनेट और पार्टी सभी मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक सर्वे में सामने आया कि इजरायल के 75% लोगों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को अभी फिर एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बंधकों के परिजन भी पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है गाजा में सैन्य अभियान और संघर्ष विराम के फैसले नेतन्याहू की भूमिका नहीं है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि आईजीएफ से जुड़े हुए सारे फैसले रक्षा मंत्री योएव गैलेंट करते हैं। इजरायली सेना के 2 पूर्व जनरल बेनी गेंज और गेडी आइसेन कोट शामिल होते हैं। वॉर कैबिनेट के 5 लोगों के कोर ग्रुप में नेतन्याहू दरकिनार हो गए हैं। गैलेंट को नेतन्याहू ने मार्च में बर्खास्त करने की कोशिश की थी। बेनी गेंज हालिया चुनावी सर्वे में नेतन्याहू से काफी आगे हैं। इसराइल हमास युद्ध को लेकर हाल में हुए 2 बड़े फैसलों में नेतन्याहू की भूमिका ना के बराबर है। पहला गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के समय का फैसला, दूसरा 110 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ सप्ताह भर के संघर्ष विराम पर सहमति देना। नेतन्याहू सरकार पर आरोप है कि वो फैसला नहीं ले पा रही कि गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद क्या होगा। गठबंधन के साथ ही चाहते हैं कि इजरायली सेना को स्थायी रूप से गाजा पट्टी में रहने दिया जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि सेना गाजा छोड़ दे और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को ताकतवर बनाए ताकि वो सत्ता को संभाले। लेकिन जो मंसूबे बेंजामिन नेतन्याहू के बोला है, आप भली बात ही जानते हैं किस तरीके की स्थिति हो रही है। 75% लोग ये कह रहे हैं इस्तीफा दे, और संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन से तो यह साफ हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी अब बिल्कुल खतरे में है। द लाइव ट्रिप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।